साल 2009 में फिल्म अलादीन से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली जैकलीन श्रीलंका की एक्ट्रेस मॉडल रह चुकी हैं। अपनी एक्टिंग से भले ही जैकलीन ने दर्शकों को कम इम्प्रेस किया है, लेकिन उनकी खूबसूरती पहले दिन से ही लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रही। वेल, इसी के साथ अपनी बॉलीवुड जर्नी में जैकलीन कई कॉन्ट्रोवर्सीज का भी शिकार बनी। वेल, तो आइए डालते हैं जैकलीन से रिलेटेड कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज पर एक नजर। रिलेशनशिप विद रशीद अल खलीफा। साल 2008 में जैकलीन का नाम रॉयल परिवार के राजकुमार रशीद अल खलीफा संग डेटिंग को लेकर सामने आया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों की डेटिंग की खूब खबरें चली। 3 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों के सेपरेशन की खबर आई थी। एक्ट्रेस को एक दफा डांस क्लब में एक अनजान चेहरे के साथ स्पॉट किया गया था। रिपोर्ट्स की माने तो इस शख्स ने जैकलीन को मुंबई के पॉश इलाके में 3BHK अपार्टमेंट गिफ्ट किया था, तो वही कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये शख्स और कोई नहीं बल्कि रशीद अल खलीफा थे। अफेयर विद साजिद खान। जैकलीन डायरेक्टर साजिद खान के साथ भी रोमांटिक रिलेशन में रही, ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट्स का मानना है। साजिद के साथ जैकलीन का रिश्ता इतना सीरियस था कि चर्चा थी कि दोनों जल्द ही शादी कर सकते हैं, पर उनका ये रिश्ता 2013 में खत्म हो गया। दोनों को अक्सर एक साथ स्पॉट किया जाता था, लेकिन दोनों के ब्रेकअप के बाद भी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि साजिद खान पर लगे मीटू आरोपों पर जब जैकलीन से एक बार सवाल पूछा गया तो देखिए क्या कहना था एक्ट्रेस का। It's very important that we remember that gender dialogue is a conversation that's long been overdue, and let's not limit it to just our industry. It's a dialogue that has been long overdue in our society as well. And you know, it's unfortunately the sad truth is sexual predators are all around us. You know, they're sometimes even in our own household. So we should not deviate from the actual issue that this is not entirely about sex, but it's a power struggle, and it's people taking entitlement, and we really have to stick to the issue and be serious about it if we want solutions and we want to have a safe workplace for everyone and for society. Affair with Salman Khan. Kick movie ke promotion ke dauran Jacqueline ne Salman Khan ke gaal par kiss kiya tha. इस एक किस ने जैकलीन और सलमान के अफेयर की खबरों को हवा दे दी थी। खबरें तो ये तक थी कि जैकलीन सलमान की बहन के घर में एक्टर के साथ रह रही थी। दोनों के अफेयर को लेकर आज भी कानाफूसी चलती रहती है, लेकिन अभी तक दोनों में से किसी ने भी इस पर खुलकर बात नहीं की है, लेकिन दोनों अक्सर एक साथ वक्त बिताते नजर आते हैं। सलीम खान टुक अ जॉय बैट जैकलीन। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस आज देश की उम्दा एक्ट्रेसेस में से एक है। उन्होंने इस इंडस्ट्री में कई स्टार्स के साथ काम किया है, लेकिन विदेशी होने की वजह से जैकलीन को हिंदी बोलने में हमेशा तकलीफ हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्ट्रेस को हिंदी से ज्यादा उर्दू भाषा पसंद है? इसी के चलते वो कभी इस भाषा को सीखने की इच्छा रखती थी। जैकलीन सलमान खान की फैमिली के बेहद करीब है, वो अक्सर उनके परिवार वालों से मिलती रहती है। इसी के चलते फिल्म रेस 3 की शूटिंग के दौरान एक बार एक्ट्रेस की मुलाकात सलमान खान के पिता से हुई और उन्होंने अपने उर्दू सीखने वाली बात उन्हें बताई थी। जहां एक्ट्रेस सोच रही थी कि ये जानकर सलीम सर खुश होंगे, लेकिन उसका कुछ उल्टा ही हुआ। जैकलीन की ये बात सुन सलीम खान ने उन्हें समझाना शुरू कर दिया। उन्होंने तंज कसते हुए सिर्फ एक बात कही कि पहले वो अपनी हिंदी सुधारे, उसके बाद उर्दू सीखे। खैर, कहना गलत नहीं होगा कि ये बात जैकलीन को बुरी लगी होगी। ट्रोल फॉर लाफिंग एट श्रीदेवी'स फ्यूनरल। बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा श्रीदेवी का निधन उनके फैंस के साथ साथ फिल्मी हस्तियों के लिए भी एक बड़ा झटका था। फैंस और कई फिल्मी सितारे उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। उस दौरान बाकी हस्तियों के साथ अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस भी वहां पहुंची थीं। लेकिन तब उस क्लब में दाखिल होने वाली उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिसकी वजह से यूजर्स ने उन्हें ट्रोल कर दिया था। दरअसल तस्वीर में जैकलीन को हंसते हुए देखा गया था, जिसके कारण यूजर्स ने उनकी आलोचना की थी। वेल, इसी तरह जैकलीन और भी कई कॉन्ट्रोवर्सीज का शिकार बन चुकी हैं। फिलहाल इस वीडियो पर आप हमें बताएं अपनी राय, एंड ऑल्सो डू लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।